हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाइलर वीएस इंटरप्रेटर के बारे में, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, इनका वर्किंग प्रोसेस किस तरह से कंपाइलर वर्क करता है, किस तरह से सेम वे में इंटरप्रेटर वर्क करता है, दोनों के वर्किंग प्रोसेस के डिफरेंस को समझेंगे, दोनों के वर्किंग प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे समझते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों का जो वर्किंग प्रोसेस है एक दूसरे किस से डिफरेंट, पॉइंट बाई पॉइंट इसको समझते हैं। कंपाइलर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज वाइस वर्सा। एक कंपाइलर क्या एक लैंग्वेज प्रोसेसर है या ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। सेम वे में इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। ये भी इंटरप्रेटर भी सेम वे में यही वर्क करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। सेकेंड वर्क है, सेकेंड डिफरेंस है, इट मेक्स एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को या पूरे कोड को एक ही टाइम में कन्वर्ट करने का वर्क करता है, जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, इट टेक्स सिंगल लाइन या किसी सिंगल लाइन को लाइन बाई लाइन या सिंगल कोड को कन्वर्ट करने का वर्क करता है। इट जनरेट्स इमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। इसके अंदर कंपाइलर के अंदर इमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, इट डज नॉट प्रोडक्ट एनी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता है। द कंपाइलेशन इज डन बिफोर एग्जीक्यूशन। कंपाइलर के अंदर कंपाइलेशन जो होती है एग्जीक्यूशन से बिफोर कंप्लीट की जाती है, जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, यानी कि इसके अंदर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन साथ साथ चलते हैं। इसके अंदर जैसे कोई सिंगल बाई सिंगल लाइन का वहाँ पे कन्वर्शन होता है, कन्वर्ट होती है लाइन, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन साथ साथ चलते हैं इसमें, जबकि इसमें क्या होता है, कंपाइलर में कंपाइलेशन जो एग्जीक्यूशन से पहले ही पूरा हो जाता है। स्पीड इज़ कंपैरेटिवली फास्टर। कंपाइलर के अंदर स्पीड जो होती है फास्ट होती है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, स्पीड इज स्लो, इसके अंदर स्पीड स्लोर होती है। कंपाइलर के अंदर मेमोरी रिक्वायर्ड इज मोर ड्यू टू क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर के अंदर ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पे मेमोरी की ज़्यादा रिक्वायर होती है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एज इट डस नॉट क्रिएट एनी इमीडिएट ऑब्जेक्ट। इंटरप्रेटर के अंदर मेमोरी की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमीडिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होता है, इसलिए मेमोरी की यहाँ पे कम ही ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, डिस्प्लेस ऑल एरर्स आफ्टर कंपाइलेशन एट ऑल सेम टाइम। यानी कि इसके अंदर जो भी एरर्स होते हैं, डिस्प्ले ऑल एरर्स आफ्टर कंपाइलेशन, जो इस एरर्स होते हैं डिस्प्ले होते हैं कंपाइलेशन के बाद, ऑल एट सेम टाइम, सभी सेम टाइम में, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेस एरर्स ऑफ ईच लाइन बाय लाइन वन बाय वन। इसके अंदर जो भी एरर्स होते हैं लाइन में वन बाय वन वो डिस्प्ले होते हैं। एरर्स डिटेक्शन इज डिफिकल्ट। कंपाइलर के अंदर एरर्स को डिटेक्शन उनका डिटेक्शन करना डिफिकल्ट होता है, जबकि इंटरप्रेटर में क्या है, एरर डिफिकल्ट डिटेक्शन इज ईजियर, इसको एरर को डिटेक्ट करना ईजी होता है। यानी कंपाइलर के अंदर एरर डिटेक्शन इज डिफिकल्ट, एरर को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर एरर को डिटेक्ट करना ईजी होता है। कंपाइलर के अंदर इट कंज्यूम्स लेस टाइम, टाइम कम लगता है इसके अंदर, कंज्यूम होता है, इट कंज्यूम मोर टाइम, इंटरप्रेटर के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। कंपाइलर इज मोर एफिशिएंट, कंपाइलर जो है मोर एफिशिएंट होता है, जबकि इंटरप्रेटर इज लेस एफिशिएंट, इंटरप्रेटर क्या है, लेस एफिशिएंट होता है। ये थे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बेसिक डिफरेंस, जो इन दोनों के वर्किंग प्रोसेस को डिफरेंट करता है एक दूसरे से। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का जो वर्किंग प्रोसेस है इस तरह से एक दूसरे डिफरेंट है, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।